हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? सुनाओ, फिट हो? बहुत जी, आज का सीन है कि आज इस गाड़ी को हम मतलब बम्पर शम्पर देते हैं कि वो पेंटर उसको पेंट चेंट करे। हम दो तीन दिन इस गाड़ी को देखते हैं, अगर उसने उतारे वो ये ना कह दे कि गाड़ी इधर ही रखो, मैं लगे भी ठीक है ब्रो, ऐसे नहीं करेंगे हम यार ब्रो। हमने हम गाड़ी उतार के उसको देगा यार, गाड़ी लेके आएंगे यार ब्रो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। तो फिर आज ये सीन है कि इसको देते हैं बम्पर शम्पर, उसको दे के आते हैं कि भी वो सेट करे। ये देखो वो भी बम्पर टूटा हुआ। ओ भाजी, एक तो काम ये हो गया ना कि इसके आज बम्पर शम्पर आज ठीक होंगे, अभी मैं मार सकता हूँ ठीक है। बाकी दूसरा काम ये कि अभी बाकी सारी गाड़ी के अंदर ब्लैक का टच हुआ है। एक रिम हमारे जो हैं ये सिल्वर से हैं, ग्रे से हैं, कोई पता नहीं, नाडो ग्रे हुए हैं ठीक है, तो इनको भी ब्लैक में करवाएंगे। अभी जाते हैं ना डेंटर के पास, उससे सारी मालूमात लेते हैं कि भी क्या बनता है, कितनी कॉस्ट आ रही है बम्परों के ऊपर, वो सारी मैं आपको बता दूँगा। वर्कशॉप आ गए हैं, तो चेक करते हैं कभी उस्ताद जी किधर गए हैं, वो उनको ढूंढ रहे हैं अभी। तो बाबा जी, अभी हम दो डेंटरों के पास गए हैं, दोनों से मशवरा करने के बाद हमें ये डिसीजन लेने वाले हैं, हम रिपेयर की जगह इसको अगर हम नहीं लगा लें, मतलब नए मिल जाते हैं, जितने की रिपेयर हो रहे हैं उतने के ही नए मिलते हैं। और रिपेयर का ये है कि एक बार और किसी जगह पे लगेगी ना, या कुछ चीज़ आके साथ ही टकराएगी, वो दोबारा फिर इसी हालत में आ जाएंगे जो रिपेयर होंगे। अगर नए लेंगे ना, उनमें प्रोटीन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो मतलब टाइम निकाल जाएंगे कुछ अर्सा। तो अभी रिपेयर का हमने एस्टिमेट लगवाया, वो बंदा हमें एक बंदा रिपेयर का कह रहा है कि 6,000 रुपये में रिपेयर, 6 महीने रिपेयर और रिपेयर आने में टोटल 15,000 रुपये लग जाएगा। हाँ तकरीबन इतना, 10-12 तो मतलब अगर कम भी करवाते तो 10-12 तक ही वो आते, और इतने के बम्पर आ जाते हैं और ऊपर पेंट भी हो जाए उनके ऊपर इतने में। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? सुनाओ, फिट हो? तो बाबा जी, उस दिन हमने मतलब बम्पर शम्पर कल मतलब हमने चेक करवाए थे, सारा कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी हमने, मगर वो कोई नहीं हो सका क्योंकि बम्पर अभी ढूंढने पड़ेंगे। मैंने पता करवाया मगर एक दो जगह से वो कहते हैं आपको आना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे बम्पर। तो मैंने कहा चलो व्लॉग शुरू ही कर लिया था। अभी एक और काम था जो हमने करना था कि इस गाड़ी की ट्यूनिंग करवानी है हमने, ठीक है, ट्यूनिंग मतलब पूरी प्रॉपर। कब भी जब से मेरे पास आई है ना, मैंने इसकी ट्यूनिंग नहीं करवाई, प्लग साफ करवाने के अलावा और कुछ भी नहीं। वो थ्रॉटल बॉडी मैंने इसकी कभी खुलवाई भी नहीं आज तक। वो खुलवाते हैं, वो चेक करवाते हैं, क्योंकि गाड़ी की एवरेज इतनी गंदी हुई हुई है और गाड़ी में पिक भी नहीं है इतनी तेज़, मतलब पहले इतनी पिक होती थी कि गाड़ी इस तरह बिल्कुल पीछे खींच लेती थी, अभी वो सीन है ही नहीं। फिर अभी जाते हैं इसकी वो करवाते हैं ट्यूनिंग श्यूनिंग, और एक दो काम और भी निकले हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। क्या नाम है ये रैप, उस दिन जो हमने करवाया था सारा उखड़ गया, मतलब उठ गया। इसको भी देखते हैं, हीट गन शन मरवाते हैं, बाकी इन जगहों से भी देखो ना सारा ख़राब हो रहा है, ये चेक करते हैं कि भी हीट गन से ठीक होता है कि नहीं। भाई जी अभी ये चेक करना ना, मैं आपको इसकी हल्की सी पिक दिखाता हूँ कि भी अभी क्या रोला है। ये मैंने खींची है ना आज, तो वैसे सही खींचने हो गई है मतलब उस तरह की पिक नहीं है जिस जी। क्या नाम है यार, तो दिन ही ख़राब है। पहले बम्पर करवाने गया वो नहीं हुआ, अभी ट्यूनिंग करवाने गया हूँ, उस भाई से सारी मालूमात की, वो कहता है अभी रश इतनी ज़्यादा है, वो कह रहा है कि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा खड़ी हैं, शाम तक आप चक्कर लगाओ, मगर रोला ये है कि मैं अभी गांव जा रहा हूँ गांव जाना है, वहाँ पर ही कुछ देखते हैं। और अभी मैं आ गया हूँ ये डेकोरेशन वाले के पास, वही हीट गन मरवाते हैं सारे को, ताकि अगर बैठता है तो बैठे, नहीं तो फिर जाते हैं उसी के पास, उसको बोलते हैं ये ठीक करके दे, 5,000 रुपया दिया था उसको 4,500। वो फाइनली बाबा जी क्या नाम है, दोबारा गाड़ी के साथ आ गए हैं। कल हमने इधर आए थे तो भाई कहते हैं कि शाम को हम आपकी गाड़ी के ऊपर हाथ रखेंगे, हमने कह नहीं शाम को तो टाइम नहीं है। फिर मैं आ जाए हूँ दोबारा उसी जगह पे आ गए हैं कि ट्यूनिंग श्यूनिंग करवाते हैं। अभी भाई को बुलाता हूँ कि ट्यूनिंग श्यूनिंग आके करें। बाकी एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वो जो रैप उतरा था, मैं सारा उसके ऊपर जुगाड़ लगवा लिया, यहाँ पर हमने ये छोटा सा जुगाड़ लगवा लिया सारी तरफ, ये जिधर जिधर से उतर रहा था हमने वो टेपिंग करवा दी है। आज ही अभी एक रोला हो गया, तो भाई कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी का हम सिर्फ प्लग खोल के ट्यूनिंग मतलब कर देंगे,
थ्रॉटल बॉडी नहीं खोलते क्योंकि इसमें कंप्यूटर नहीं ना लगा हुआ, तो शायद कोई और इशू बीच में आ जाए, फिर कोई पता नहीं होता। ठीक है, पहले हम इसकी कंप्यूटर की वायरिंग शायरिंग करवाएंगे, फिर जाके थ्रॉटल बॉडी इसकी खोलेंगे। अब्बल भाई क्या कहते हो कि भी कोई थोड़े बहुत पिकअप में फ़र्क आएगा प्लगों से? बाजी रोले निकल रहे हैं, अभी फिल्टर भी ख़राब निकल आया है, एक कंप्यूटर का भी इशू आ गया, मतलब कंप्यूटर की वायरिंग का। बाजी गाड़ी अभी थोड़ी सी मतलब हमें साउंड के लिहाज से थोड़ी बहुत ही फ्री लग रही, इजी मॉल लग रहा है गाड़ी का। अभी भाई ने हमें बताया कि भी इसका फिल्टर आप लाजमी अभी के अभी चेंज करो, क्योंकि इसका फिल्टर बिल्कुल चौक है। ठीक है, फिल्टर चौक होने की वजह से ना गाड़ी सही तरह से सांस नहीं ले सकती, तो उस वजह से आपको ये दबी दबी सी महसूस हो रही थी। तो यकीन करो आज बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि व्लॉगिंग का जिसको जिस तरह पता ही नहीं होता, जिस तरह वो फीलिंग आई है मुझे व्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि जब एक रिदम में व्लॉग चल रहा होता है ना तो वो बंदा कर लेता है, वो लगा रहता है। अभी हम दूसरा दिन था तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या किस वजह से मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या कर गया, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। अभी जाते हैं इसकी पिक शिक चेक करते हैं कि गाड़ी में कुछ खाली रोड है, अभी चेक करता हूँ। आगे लगा, इधर मीटर पे लगा। नहीं यार ये क्या वैसी है जैसी थी? नहीं अभी टायर तो घुमाए हैं, टायर घुमाने से क्या होता। अभी दूसरा गियर है, मैं आरपीएम मतलब अपने गियर मतलब अपने रिदम में है, मैं जैसे कहें तो मतलब वो गाड़ी पिक नहीं, सही नहीं दे रही यार, पता नहीं क्यों इशू हुआ गाड़ी में। ये देख इधर से इसका काम बनता वहीं से उठा ले, हमें इस तरफ पीछे फेंक दे, वो पहले फेंकती थी, ये सच बात है। ये देखना अभी मतलब वो तो मैंने टायर घुमा दिए थे ना, अभी बिल्कुल क्लच छोड़े, क्लच के बगैर मैं इसको पिक करता हूँ, कोई पिक है ही नहीं ना। ये देखो जिधर मैं हूँ उधर ही हूँ, कोई है ही नहीं गाड़ी में, पिक है ही नहीं यार, कोई इशू है यार। ये या तो थ्रॉटल बॉडी का कोई इशू है, प्लग तो उन्होंने अभी साफ कर दिए हैं, वो इशू होता तो नतियारा जी। मतलब टाइम एक बात याद होगा, नोट किया था 10 सेकंड से भी पहले ये 100 क्रॉस कर गई थी, 10 सेकंड क्या होते हैं। मैं अभी कैमरा पकड़ना सीख रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि भी बंदे पता नहीं इस तरह बात करते करते उधर कुछ चीज़ आती है साथ इस तरह कर लेते हैं, मैं कैमरा पकड़ना ही नहीं आ रहा। खरा जी अभी हम पता क्या सोच रहे थे, हम अपनी मतलब कैजुअल बातें कर रहे थे, व्लॉगरों वाली मतलब फील की नहीं आ रही। मोहिस कहता है कि भी हम असल में पंजाबी में बात अपने आप से बात पंजाबी के साथ करते हैं, और जब कैमरे में होते हैं तो उर्दू में, अगर सारी स्क्रिप्टेड सी फीलिंग सी आती है, अगर एक ही एक्सेंट हो ना तो जो हम बात कैजुअल कर रहे हैं उसमें भी कैमरा ऑन ही रखे, और साथ ही जिस तरह मतलब सारे व्लॉगर कर रहे होते हैं अपनी घर की बातें कर रहे होते हैं, साथ कैमरा ऑन होता है और वो लोग में चल रहे होते हैं, वो सीन नहीं हो रहा, ऑन ही रहा, पता नहीं वो कैसे होता है, सीखते हैं जी अभी बिगनर है हम तो। अभी ये देखो साथ ही मैंने कैमरा घुमाना सीख लिया है। तो अभी ऐसे ये है कि जाते हैं इसका फिल्टर उठाते हैं कहीं से पता करते हैं। फिल्टर अभी तू किधर जाएगा क्यों उससे जाके, टाइम बहुत लग जाएगा, वो क्या टाइम हुआ है यार, वेले ही है, व्लॉग भी नहीं बना, वेले ही तू वेला है। अभी एक लास्ट ट्राई करते हैं कि गाड़ी को पिकअप करने की, ठीक है गाड़ी को पिकअप करने का। यार जी एक सीन ये भी है ना, ये मेरे पीछे कब से पड़ा हुआ है, गाड़ी प्रॉपर अभी चला लेता है, मतलब ये है कि पहले गियर में जितनी से चल सकती है ना, दूसरा कौन सा तू किधर जा रहा है, किधर लगता है दूसरा गियर, ऐसे लगता है सिखाया किसने है? खुद गियर लगाता था, कहते क्लच दबा मैं गियर लगाता हूँ, मैंने कहा छोड़ मैं खुद लगाऊंगा। अच्छा चल, अच्छा इससे पता करो तीसरा गियर लगता है किधर है, जरा ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा और ये रिवर्स, ये क्या समझता है मुझे, ये तू तो सीख गया। चलो इसका एक व्लॉग बनाएंगे, पूरा ड्राइविंग इसका टेस्ट लेंगे, ये क्यों मुझे सारी क्यों आती है तुझे यहाँ। अच्छा चल मैं कर लेते हैं कोई सीन कर ले, रश वाली जगह राजा बाजार लेके जाऊंगा। नहीं नहीं इतना भी नहीं भाई। क्यों फिर क्या क्यों कह रहे हैं कि मैं चला लेता हूँ? तो सीन तो फिर ये है ना, ड्राइवर हो बंदा हर जगह ले जाए। चल अभी इधर चला तू, ये थोड़ी रश होती है इधर। अभी नहीं व्लॉग बनाएंगे, तू कंटेंट खा रहा है मेरा, कंटेंट खा रहा है तू मेरा, सही है ना। देखो भाजी अभी फुल व्लॉगिंग वाली फीलिंग आई है, ऐसे व्लॉगिंग होती है, अभी कुछ थोड़ी बहुत हमें समझ आ रही है कि व्लॉगिंग होती है कैसे है। रिवर्स कर और रिवर्स तो पहले इसने पहला गियर इसने रिवर्स डालना सीखा है, ठीक है पहला गियर इसको मतलब रिवर्स पहले इसने
गाड़ी खड़ी थी मैंने तो बस थोड़ी सी पीछे कर ली थी गाड़ी, तो ये कहना शुरू हो गया मैं ड्राइवर हूँ। मैंने बहुत बात चलाई। अच्छा चल छोड़, मुझे गाड़ी की टेंशन है, मेरी लाडो को क्या हो गया पता नहीं। तो बाबा जी कैमरा पकड़ना सीख चुके हैं। तो बाबा जी अभी क्या नाम है, गाड़ी हम पार्किंग पे लगा दी है। ओहो, इस तरह पार्किंग पे लगा दी हमने गाड़ी।